तो देखिए, जो हमारा जो ड्राइंग है उसे बनाने से पहले एक छोटी सी बात कि आप हमेशा ड्राइंग करते वक्त ये बात को ध्यान रखिएगा कि हमारी जो पेंसिल है वो हमारी हमेशा शार्प होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम इस ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो शुरुआत हमें आंखों से करना होगा, ठीक है। ये देखो, अब हम इसके नोज के जस्ट नीचे एक बड़ी सी मूंछ बनाएंगे। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ड्राइंग करते हो तो हमेशा पेंसिल का यूज किया करो। तो ये काफी बड़ी सुंदर सी मूंछ बन गई है और इसके नीचे आपको माउथ को बनाना है। अब हम पूरे के पूरे जो फेस है इसे कवर कर लेते हैं। साइड में जो बियर्ड होते हैं उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, इन्हें मैं ब्लैक से कलर करूंगा, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल अभी हम इसके नेक और बॉडी को बनाते हैं। इस जगह से हमें हाथों को निकालना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हाथ भी हमारे जो होने चाहिए वो पतले होने चाहिए। और ड्राइंग करने का सबसे सही तरीका होता है पेंसिल से ड्राइंग करने। यदि आप पेंसिल से ड्राइंग करते हो तो गलतियां होती है, तो आप उसे इरेज कर सकते हो। और बहुत सही होता है कि आप पेंसिल से ही ड्राइंग किया करो। हाँ, पेंसिल से ड्राइंग करने के बाद आप आउटलाइन करने के लिए आप मार्कर का जरूर इस्तेमाल कीजिए। और इस जगह पे हम भाला को बनाएंगे, जिस भाला से सैनिक हमला करते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस जगह पे हमारी हाथ होगी। हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है ड्राइंग। अब हम इसमें कलर करेंगे। अब देखो, फेस को कलर करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पेंसिल आप देख रहे हो ना, आप इसे पीछे पकड़ो और हल्के हल्के शेडिंग करो। ये देखो, ध्यान ये रखिएगा कि आपको पेंसिल के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। और ये पैर को भी। अब आपकी जो फिंगर टिप्स होती है, ये फिंगर टिप्स है ना, इसकी हेल्प से आप क्या करो, थोड़ा इसमें ब्लेंड कर दो। ये देखो, ठीक है, आपको इस तरीके से ब्लेंड करना होगा उंगलियों की हेल्प से। और जो भी एक्स्ट्रा है इसे साइड में आप इरेज कर लो। अब हम इसमें कलर करेंगे और कंप्लीट करते हैं इस ड्राइंग को। तो ये
ये देखो मैंने पूरी की पूरी ये जो साइड है लेफ्ट वाली उसमें पूरा इधर साइड में डार्क किया है, और जगह जगह पे आपको पेंसिल से ज्यादा फोर्स अप्लाई भी करना पड़ेगा। इस जगह पे मैंने लाइट शेडिंग की है और इस जगह में मैंने हैवी शेविंग की है। तो इस तरीके से आप भी इसे ट्राई करो, काफी अच्छी ड्राइंग है। तो ये हमारी फाइनली ये जो ड्राइंग है सैनिक की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली ये ड्राइंग आपको भी पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, ये 1K को फटाफट कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करो दोस्तों। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो में कुछ नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।